हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के 40 ऐसे प्रश्न जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आंसर नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, दूसरों को भी शेयर करिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए और PDF डाउनलोड करने के लिए टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप टॉपिक स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो आपको डेली मिलती रहे और रीजनिंग मैथ की भी वीडियो आपको मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा, जितने भी आंसर आपसे आते होंगे क्वेश्चंस के, तो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और टेस्ट को एंड होने के बाद में जितने भी आंसर आप सही कर पाएंगे 40 में से, वो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड मिलेंगे, तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार हैं? तो बिल्कुल बच्चों को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे 5वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, अपने बड़ों को भी दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है, ठीक है। तो शेयर करिएगा अपने हर एक फैमिली मेम्बर को, अपने हर एक फ्रेंड को। क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुझे भी पता है, बट पता होना चाहिए जिनको नहीं पता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पशु है, अभी आपका कांस्टेबल में, RPF कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी अभी आपका पूछा गया था, बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। देखिए, अगर टेस्ट पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए लगातार इस तरीके की वीडियो लाने के लिए। पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छे, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड।
12वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसको भी बताइएगा। बिल्कुल सही, अगर 14 का राइट आंसर आप ऑप्शन बी लगाने तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी अभी आपका पूछा गया था और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर आप ए लगाने तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? बहुत अच्छे, यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन अगर आप बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 में बोल रहा है 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 20वें का बताइएगा। तो 20वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर आप ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए भाई, जो भी आपका चाहे सही है चाहे गलत है। 21, वायु सेना दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बहुत अच्छे, यहां पे 22 का अगर आप ऑप्शन ए यहां पे लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एन इकबाल म्यूजिक के लेखक हैं? बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उर्वशी के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था एसआई में, क्वेश्चन नंबर 24। और देखिए आधे से ज्यादा टेस्ट आपका हो चुका है, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा। 24 को राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के रचयिता है? तो बिल्कुल सही है, 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो 26 का यहां पे राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं, वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 27। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं। तो 27 का बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहाँ पे 28 का डी लगा रहे हैं तो, ये सभी हैं कालिदास की रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 है आपका, हितोपदेश की रचना किसने की? ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? तो यहां पे 30 का यहां पे राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं तो, ये सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 31। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? अगर आप ये वीडियो को एक से दो बार देख लेंगे तो रट जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को कभी भी टाइम लगेगा दोबारा फिर रिपीट करके देखेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद मिलेंगे और बहुत सारे बिल्कुल याद हो जाएंगे। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेस्ट एंड में ही आने वाला है, अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। 31 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तो बहुत अच्छे अगर आपने ए ऑप्शन लगाया था। 32 का आंसर बताइएगा। 32 क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33। माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, ऑप्शन डी जितने बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35। सेशोल की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36। तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? थर्टी सिक्स का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो ये आपको बताना है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहां पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इनमें भी देखिए एक बार, अभी आप देखिए कैपिटल करेंसी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आरपीएफ एसआई में भी, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था और ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। तो ये मतलब आपके बेसिक है चीज़ें जो रिपीट रहती हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है?
तो बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40, मोंगादिशु किस देश की राजधानी है? तो बहुत अच्छे, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में थे इतने ही क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप वीडियो को जितने भी हो सके शेयर करिएगा अपने ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर, ताकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी पता चल सके। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है, किसी भी तरीके का आप टेस्ट में चेंजेस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसी तरीके से टेस्ट को चेंज कर लूँगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा। वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा वो कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी आपका स्कोर बना है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और देखता हूँ। वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।